बिहार के गया जिले में हुए बम विस्फोट में 2 स्कूली बच्चे घायल हो गए और 4 अन्य बेहोश हो गए। गया की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने घटना की पुष्टि की। घटना के बाद गया की ASSP तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 2 बच्चों को चोटें आई और उन्हें वजीरगंज के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी खतरे से बाहर हैं। उन्होंने बताया कि धमाका वजीरगंज थाना क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल मुर्गियाचक में हुआ। घटना के मुताबिक छात्र स्कूल परिसर के अंदर खेल रहे थे, तभी अचानक विस्फोट हुआ जिसमें 2 छात्र विस्फोट की चपेट में आ गए और 4 बच्चे बेहोश हो गए। SSP ने जांच के लिए स्कूल में बम और डॉग स्क्वाड भेजा है। वहीं ग्रामीणों ने दावा किया है कि इससे पहले भी शुक्रवार रात गाँव में 3 बम फटे। हाँ, अभी सूचना अभी जस्ट मुझे मिली है, मुर्गियाचक गांव है, वहाँ पे एक जो जर्दा का शायद डिब्बा होता है उसमें बताया गया है एक बम फटने की, वो आया है सूचना, जिसके लिए मैंने बम डिस्पोजल स्क्वाड को और स्निपर डॉग को यहाँ पे डॉग स्क्वाड को भेज रही हूँ और मैं खुद भी जा रही हूँ स्पॉट पे। उसमें 2 बच्चों का माइनर इंजरी का बात आया है, खेलने गए हुए थे तो वो बताया है अभी थाना।